हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जो है ट्वेल्थ की फिफ्थ चैप्टर है उसकी सेकंड लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ बातें करी थी फेसबुक पे, अभी आके आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में और पॉपुलेशन की कंट्रोल के बारे में भी थोड़ा सा आज बताना है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की कंडीशन में हमने बहुत सारी बातें करी कि पॉपुलेशन किस तरह से एब्रप्टली रैपिडली इंक्रीज हुआ और इतना ज़्यादा हो गया कि उसे क्या कहा कि पॉपुलेशन बूम हो गया, मतलब कि पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो गया। पॉपुलेशन इतने ज़्यादा बढ़ गई कि उसको कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी हो गया। तो हमें बात करना है कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल किस तरह से होगा। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने की मेथड्स के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन हेडिंग बनाएंगे इस जगह पे बर्थ कंट्रोल मेजर्स, और दूसरी चीज़ें बात करेंगे यहाँ पे कंट्रासेप्शंस, कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या हमारा कंट्रासेप्टिव मेथड्स हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का नतीजा हुआ कि उसको चेक करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमें बहुत सारे स्लोगन भी दी गई, हम दो हमारे दो, अब तो हम दो हमारे एक हो गए। तो बहुत सारे जगह पे बहुत सारे तरह का बैरियर लगाया गया, बहुत सारे जो है इंसेंटिव दी गई, मतलब कि लोगों को लालच दी गई कि आप जो है दो बच्चे रखोगे या एक बच्चे रखोगे तो आपको क्या करी जाएगी, आपको गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी, आपकी प्रमोशन होगी, ठीक है ना। बहुत सारे जगह पे तो राजस्थान साइड में तो ये भी हुआ कि जिसको दो बच्चे से ज़्यादा है वो कोई जॉब नहीं कर सकते, वो जो है कोई जो है मतलब कि पॉलिटिकल लीडर नहीं बन सकते, मतलब बहुत तरह की बातें करी गई। आपकी दो बच्चे हैं तो इनकी जो है एजुकेशन की जिम्मा गवर्नमेंट लेगी, मतलब बहुत तरह की इंसेंटिव दी गई, लोगों को लालच दिया गया ताकि वो क्या करे, बर्थ को कंट्रोल करे, मतलब कि बच्चे की नंबर्स घटाएं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है अनएजुकेटेड होने की वजह से जो इसको फॉलो नहीं करे, बहुत सारे लोग जो है इसको फॉलो नहीं करे, जो रिलीजन बेस भी है, बातें हैं यहाँ पे कुछ, मतलब कि रिलीजन बेस भी है, जैसे अपने यहाँ जो है या वर्ल्ड वाइड बात करी जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इसको फॉलो नहीं करे। तो बहुत तरह की बात हो गई। अब इसकी जो 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 लोग जो है अनएजुकेटेड हैं कहीं भी, मतलब कि हिंदू या मुस्लिम, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अब तो। हालांकि मुस्लिम लोग भी सारे के सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्से लेते हैं और उसमें क्या करते हैं कि बर्थ कंट्रोल को किया जा रहा है। तो इसमें लिटरेसी रेट के बारे में बहुत बड़ी बात है कि आपको हमने बताया था एक एग्जांपल कि जिसमें 20 से 25,000 रुपये मंथली जो है दो फैमिली की इनकम है, एक में जो है चाइल्ड की नंबर ज़्यादा है, एक में चाइल्ड की नंबर कम है, बच्चे की नंबर कम है, दो है एक में छः है, तो छः वाले को क्या हो गया था, तो बहुत सारे चीज़ों का क्राइसिस हुआ। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जहाँ पर बच्चे ज़्यादा होंगे उनके फैसिलिटीज़ घट जाएंगे। तो इसी तरीके से आप बहुत सारी बातें जो है इसमें करेंगे कि किस तरीके से आप जो कंट्रासेप्टिव को यूज़ करते हैं और वो क्या क्या मेथड्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि क्या क्या आपका जो है हेडिंग बनाइए। सबसे पहले चलिए यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे बर्थ कंट्रोल मेजर्स, बर्थ कंट्रोल मेजर्स और मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, कंट्रासेप्टिव मेथड की बात करेंगे, दिख रहा है ना, कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे एक चार्ट बनाऊंगा मैं, जो चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, एक एक करके अपन बात करते भी जाएंगे। तो यहाँ हर तरीके से अपन बात करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। इस चार्ट को बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे आपका एक से दो क्वेश्चंस आने को है, बिल्कुल आएंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चार्ट है, इस चार्ट को क्या करना है, चार्ट जाना है। तो चलिए यहाँ पे पहले तो अपन बात करेंगे, सबसे पहले कौन सा मेथड हो सकता है। तो दिख रहा है ना, नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। फिर जब अपन बात करते हैं बैरियर मेथड की, फिर बात करते हैं अपना IUD की, IUD बोले तो इंट्रायूटराइन डिवाइस, मैं फुल फॉर्म वहाँ पे बताऊँगा तो आप घबराएं नहीं। और यहाँ पे दो तरह के
आईओडी के बारे में बात करेंगे। एक तो बात करेंगे नॉन मेडिकेटेड और दूसरी बात करेंगे मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड के कंडीशन में फिर से अपन बात करेंगे कि दो तरह का है। एक तो बात करते हैं किसका कि नॉन मेडिकेटेड के कंडीशन में एक तो लिप स्लिप है जो लिप्स लूप है और दूसरी कंडीशन है कि कॉपर रिलीजिंग आईओडी के बारे में बात करेंगे। कॉपर रिलीजिंग आईओडी, कॉपर रिलीजिंग के कंडीशन में ढेर सारे एग्जांपल आपका है, ये तो एक हो गया आपका। यहाँ पे बात करते हैं कॉपर रिलीजिंग के कंडीशन में तो CU7 है, मतलब कि कॉपर की बनी हुई एक डिवाइस है जो कॉपर टी CU7 सेवन शिफ्ट का होता है और कॉपर टी। दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि इसके बारे में एक और कंडीशन है कि मल्टी लोडेड 375 मल्टी, ठीक है ना, लोडेड मल्टी लोडेड 375, ठीक है। मेडिकेटेड के कंडीशन में अपन बात करते हैं तो यहाँ पे बात करेंगे हार्मोनल आईओडी और इसमें ढेर सारी अपन यहाँ पे एग्जांपल के कंडीशन में बात करेंगे। प्रोजेस्टा सर्ट है LNG 20 है, ये तो कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा। इसकी जो प्रोजेस्टा सर्ट है इसमें प्रोजेस्ट्रॉन की बात करते हैं, यहाँ पे एक लिवोनोर्जेस्टेरॉल इसकी बात करते हैं, ये सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन होती है एक तरह से। अब अपन बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे इसको मैं इस लकीर को आगे बढ़ा देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिमाग में आए, ठीक है ना। OCP है, मतलब कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, इसको नाम लिख देते हैं, इंट्रा यूटराइन डिवाइस, ठीक है। OCP पिल्स कहने का मतलब OCP ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो टैबलेट होती है उसका नाम दिया जाता है OCP पिल्स। अब यहाँ पे OCP पिल्स के भी क्राइटेरिया है कि दो तरह के OCP पिल्स दिए जाते हैं। एक तो क्या होता है, एस्ट्रॉयडल होता है जो एस्ट्रॉयड से लिए जाते हैं, दूसरा नॉन एस्ट्रॉयडल होता है। यहाँ पे ढेर सारे आपके पास एग्जाम्पल है, माला डी, ठीक है ना, माला डी। और इसके कंडीशन में जैसे ही अपन बात करेंगे तो किस चीज़ों से बने होते हैं इसके ज़्यादा डिटेल बात करेंगे। एक जो है बाय द CDRI लखनऊ, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लखनऊ की साइंटिस्ट की टीम ने एक पिल्स बनाई जिसको ऑरली लिया जाता है। यहाँ पे अपन बात करेंगे ये जो बने होते हैं इसमें केबल जो है इसकी बात करते हैं तो एक जो है मतलब कि मिनी पिल्स है, ठीक है ना। मिनी पिल्स में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो है सिंथेटिक ओनली प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग होता है, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। यहाँ पे एक कंबाइंड पिल्स बोलते हैं और कंबाइंड पिल्स के कंडीशन में
प्रोजेस्ट्रॉन प्लस एस्ट्रोजन, ये दोनों के दोनों दिया जाता है, इसको कंबाइन पिल्स कहते हैं। यहाँ पे बात करते हैं सहेली का। ये जो ड्रग्स है इसकी कुछ खासियत है कि ये क्या होता है, मोर जो है, ये सिंबल है मेरा, मोर साइड इफेक्ट है, मोर साइड इफेक्ट है। ये जो है टेकन ऑरली 21 डेज, बिगिनिंग ऑफ एमसी प्लस 7 डेज जो है एमसी का बचा हुआ, इसमें लिया जाता है आपका फॉलिक एसिड प्लस आयरन की गोलियां ली जाती है, जो एमसी के दौरान ब्लीडिंग लॉस हुआ है उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए ये टैबलेट दी जाती है। अब हमारे पास सहेली की बात करते हैं, तो सहेली जो है ये कैसे लिया जाता है, ये तो समझ में आ गया। फर्स्ट 21 डेज जो है बिगनिंग ऑफ द एमसी ली जाती है, इसके बाद जो 7 दिन आपका जो है ये लिया जाता है फॉलिक एसिड और आयरन की गोलियाँ। ये इसमें जो है जीरो साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट कितना होता है, नील होता है, जीरो होता है, और ठीक है ना, टेकन वन टैबलेट वन पिल्स इन अ वीक, सप्ताह में एक दिन ली जाती है, इसका साइड इफेक्ट जीरो होता है जो नॉन स्टेरॉयडल है। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो थोड़ा सा इम्प्लांट के बारे में बात करते हैं। ये इम्प्लांट जो है प्रोजेस्ट्रॉन प्लस एस्ट्रोजन की बनी होती है, केवल प्रोजेस्ट्रॉन से भी बना होता है, ठीक है ना, जो क्या करते हैं इसकी जो पिल्स होती है वो कैसा रॉड लाइक होती है इस टाइप से, ये इसके टैबलेट को नाम दिया गया है नॉरप्लांट। क्या दिया गया है, नॉरप्लांट, जो क्या करता है, पुट बिलो द स्किन, मतलब ये कैसा होता है, सबकुटेनियस होता है, इसको इम्प्लांट की जाती है, ये हार्मोन रिलीज करते हैं, ब्लड स्ट्रीम ये चेक करती है क्या, ओबुलेशन को। और ये भी ओसी पिल्स भी क्या करता है, ओबुलेशन को ही क्या करता है, रोक देता है। फिर अपने पास हो जाता है कौन सा मेथड, दिख रहा है ना, स्टेरिलाइजेशन मेथड, स्टेरिलाइजेशन मेथड, ये फाइनल है, ये सर्जिकल, यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रोसीजर है, सर्जिकली उसको थोड़ा सा स्किन को रिमूव करते हैं, उसके अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। सर्जिकल मेथड में क्या है कि सर्जिकल प्रोसेस है, सर्जिकल प्रोसीजर है, इसमें दो तरह का प्रोसेस है, मेल में अलग और फीमेल में अलग। मेल में जो वासा डिफरेंशिया को क्या करता है, कट करते हैं, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं वैसेक्टॉमी, और इसको क्या करते हैं, फिलोपियन ट्यूब को कट करते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। ये कम्प्लीटली स्टरलाइजेशन मेथड है, कम्प्लीटली ये रिवर्सेबल नहीं है, ये इरिवर्सेबल है। और यहाँ पे जो आईओडी की बात करते हैं, ये आइडियल है, आइडियल है कहाँ, इन इंडिया। और ये कैसा होता है, ये आपका रिवर्सल प्रोसेस है,
ये रिवर्स करी जा सकती है, आपकी फर्टिलिटी पीरियड ओवर नहीं होती है इसमें, एक ड्यूरेशन होता है ईयरली, ऐसा फाइव ईयर के लिए एक प्लान होती है उसमें दी जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये तो हमारी हो गई, अब जैसे ही बात करेंगे बैरियर मेथड की बात करते हैं, और बैरियर मेथड में बात करते हैं तो हमें दो चीज़ें दिखता है यहाँ पे। बैरियर मेथड में क्या क्या दिखता है, तो मेल एंड फीमेल कॉन्डम कंडीशन है, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, ये मेल कॉन्डम है। दूसरा कंडीशन है, एक साइड से ब्लॉक होता है, इसको वजाइना के थ्रू सर्विक्स में लगा देते हैं। दूसरा कंडीशन है आपका, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों जो बने होते हैं किस चीज़ों का, लेटेक्स का, और इसकी इसकी जो है ब्रांड नेम क्या है, फेमस ब्रांड नेम है क्या, निरोध, क्या नाम है, निरोध, तो चलेगा, ये लेटेक्स की बनी होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ें हम बात करते हैं कि इस जगह पे दूसरा चीज़ें, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, अब सिर्फ और सिर्फ फीमेल की बात करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल में यूज किया जाती है, सर्वाइकल कैप वॉल्ट है, और सर्वाइकल कैप और वॉल्ट है, यहाँ पे डायफ्राम भी है। वॉल के कंडीशन में जैसे ऐसे ये दोनों के दोनों क्या करा जाता है, सर्विक्स में अटका दिया जाता है, ये भी किस चीज़ से, लेटेक्स से बनी होती है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे दूसरा कुछ केमिकल एजेंट भी है जो क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, और केमिकल एजेंट के कंडीशन में बात करते हैं तो एस्पर्मिसाइडल, एस्पर्मिसाइडल जेल है, फोम है, इसका नाम है, इसकी ब्रांड है टूडे, ठीक है, इसकी ब्रांड क्या है, टूडे। अब जहाँ तक बात करें थोड़ा सा बैरियर मेथड की बात करते हैं, सॉरी बैरियर हो गए, मान के चलो ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, और यहाँ पे एफ, पांच जो तरीके से हमने इसको डिटेल थोड़ा थोड़ा जाएंगे, ज़्यादा नहीं, इस चार्ट को आप बखूबी याद रखना, चार्ट को क्या करना है, चार्ट जाना है। चलिए यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे नेचुरल मेथड का, तो नेचुरल मेथड में बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में ही लेके जाऊँगा। पहला तो कंडीशन है कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, इसे बोलते हैं रिदम मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए एक पीरियड हमें पता है कि एक से लेकर के 28 दिन का होता है, और बीच में जो 14वें दिन क्या होता है, ओवुलेशन होता है, तो यहाँ 10वें दिन से लेकर के 16वें दिन तक ये जो है अनसेफ पीरियड है फॉर द क्वाइटस, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा तो इस पीरियड को अपन क्या करेंगे, गैप कर देंगे, ठीक है ना, डोंट कोपरेट, ये अनसेफ है, ये और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, सेफ है, ये भी क्या है, सेफ है, सेफ पीरियड है, तो उस दौरान जो है अपन क्या करेंगे, क्वाइटस या सेक्स को क्या करेंगे, रोकेंगे। फिर दूसरा कंडीशन है विथड्रॉल, विथड्रॉल मेथड, विथड्रॉल के कंडीशन में इसको बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्टस, क्वाइटस इंटरप्टस। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा कि इस जगह पे आप क्या करते हो कि ड्यूरिंग
इजैकुलेशन, विथड्रॉल, द पेनिस फ्रॉम वजाइना। क्या करते हैं जब फॉल होने लगती है, सीमेन की इजैकुलेशन होने लगता है, उस दौरान क्वाइटस के दौरान अपन क्या करते हैं, पेनिस को वजाइना से बाहर कर देते हैं, और उस दौरान क्या करते हैं, इजैकुलेशंस आउटसाइड द बॉडी करते हैं, जो सीमेन क्या हो जाता है, बाहरी हो जाता है, ताकि स्पर्म ओवम का फ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि इस जगह पे जैसे ही बात करेंगे तो आपको क्या होता है कि मतलब कि इजैकुलेशन आउटसाइड द बॉडी। अब जहाँ पे बात करें थोड़ा सा कि ये तो हमारी बात हो गई, थोड़ा सा लैक्टेशनल एमेनोरिया की बात करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये ए मीन्स होता है नॉट, मेनोरिया मतलब क्या है एम सी, और लैक्टेशन, लैक्टेशन मतलब मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग जिस समय, तो ये पीरियड ऑफ टाइम क्या होते हैं कि ये जब इंटेंसिव लैक्टेशन करते हैं मदर, इंटेंसिव लैक्टेट मदर, डज नॉट हैव एमसी, डज नॉट अकर्स, एमसी डज नॉट अकर्स। लेकिन कब तक भैया, ये अप टू सिक्स मंथ ऑफ पार्चुरेशन, बच्चे की डिलीवरी के 6 महीने तक ही ये क्या है, वैलिड। इतनी बात तो समझ में आती है, ये बातें समझ में आ रही है। एक और बातें हम आईओडी के कंडीशन में बात करेंगे, तो ये कंडीशन है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ही, फर्स्ट चाइल्ड के बाद ही आईओडी का यूज करी जाती है। तो यहाँ पे छोटा सा एक चार्ट है, बिल्कुल इस चार्ट को बखूबी आप याद रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त है, इस चार्ट को कभी नहीं भूलना है, बहुत धांसू टाइप का है, इसको थोड़ा सा आप क्या करना कि बड़े कर लेना, ठीक है ना, मैं आपको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, और इसको ये कर लेना, ठीक है, दिख रहा है ना, दिखा, अब जूम जूम मैं कर दिया हूँ, इसको आप क्या करना, तो बिल्कुल ठीक है, अब तो ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, थोड़ा सा मैं और इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, दिखता, ठीक है, ओके। चलिए आइए, यहाँ पे इस तरह की बातें हमने कर लिया। अब जैसे ही अपन बात करेंगे कि मतलब कि जो कंट्रासेप्टिव मेथड हमने आइडियल बोला कि इसको आईयूडी को, जो इंडिया के कंडीशन में है, यहाँ पे अपन बात करते हैं क्या क्या आपको जो है इस जगह पे करी जाएगी, कि जो आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड है उसका क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से वो फॉलो करते हैं, क्या क्या होना चाहिए, हमारा आइडियल कंट्रासेप्टिव पिल्स कैसा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके अपन बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को भूले तो झूले, ठीक है, इस चार्ट से ही आपका सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा। हालांकि मैं इसको पूरा डिटेल करने वाला हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ पे आपको दिक्कत आएगी आप इसे कमेंट्स भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं अगले दिन इसको फिर से करता हूँ। तो यहाँ पे क्राइटेरिया अबाउट आइडियल कंट्रासेप्टिव पिल्स, चलो क्राइटेरिया ऑफ आइडियल कंट्रासेप्टिव, ठीक है ना, जो आइडियल कौन है, आईयूडी को मानते हैं, कौन है जी आइडियल कंट्रासेप्टिव, आईयूडी, इसको मैंने कहा था इंट्रा यूटराइन
इंट्रा यूटराइन डिवाइस। इसका क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या बातें हमने कहा, क्या कि इसमें पांच चीजें होगा, ठीक है, कौन, ए ई आई ओ यू, जो वॉवेल है आपका, वॉवेल साउंड है उसके बेस पे, मतलब कि इट मस्ट बी, थोड़ी सी दिक्कत है आवाज़ आ, चलिए तो क्राइटेरिया, थोड़ी सी साउंड प्रॉब्लम था, चलिए आ जाइए। यहाँ पे पांच चीज़ें क्या होना चाहिए, आईयूडी जो है इंट्रा यूटराइन डिवाइस, जो आपको आइडियल माना जाता है इंडिया के कंडीशन में, इसकी पांच जो है आइडियल क्राइटेरिया है कि ऐसा कैसा होना चाहिए आपका इंट्रा यूटराइन डिवाइस, किस तरीके का होना चाहिए जो आप में इफेक्टिव वर्क करेगा, इफेक्टिव काम करेगी आपके पास, मतलब कैसा नहीं हो कि आईयूडी लगाया अपन प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो गया तो फिर क्या फ़ायदा, मतलब कि इस तरह के आईयूडी से क्या फ़ायदा। तो इसमें आपको बहुत ही, हमने कहा कि आईओडी जो है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जो कॉपर टी, कॉपर सेवन और जो मल्टीलोडेड 375 की बात करते हैं, तो वहाँ पे जैसे ही बात करते हैं या कोई भी है तो प्रोजेस्टा सर्ट है, ठीक है ना, एलएनजी 20 है, तो ये सारे के सारे आईओडी जो है इम्प्लांट करी जाती है, जनरली बोला जाता है कि थ्रू द वजाइना इसको क्या करते हैं, यूट्रस की वॉल में जा करके इम्प्लांट कर देते हैं, सेवन के सेप्ट में कॉपर रिलीजिंग होते हैं, जो क्या करता है स्पर्म की मोर्टेलिटी और स्पर्म की जो है फैगोसाइटिक नेचर को बढ़ा देता है यूट्रस को, जिस कंडीशन में क्या होता है कि यूट्रस मतलब स्पर्म की मोर्टेलिटी घट गई और हॉस्टाइल टू द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म, तो उसमें उसकी नंबर भी बिल्कुल घट जाती, तो बिल्कुल इस तरह से बहुत सारी बातें करी जाएगी आपको, एक एक करके जितना भी आईयूडी है उस सारे के सारे को अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एक एक चीज़ें होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा चलिए यहाँ पे बात करते हैं, जैसे ही बात करेंगे तो आपका कंट्रासेप्टिव पिल्स कैसा होना चाहिए, तो इट मस्ट बी ये कैसा होना चाहिए, तो आपका पहले ए बोला हमने, तो ए के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे तो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, इट इज़ ईजिली अवेलेबल, ईजली अवेलेबल होना चाहिए, ऐसे अवेलेबल ईजली होना चाहिए। दूसरा ए ई, ई के बारे में बात करेंगे, तो यह कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी कैसा, इफेक्टिव कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि कैसा ए ई आई है, तो मतलब कि इस जगह पे जैसे ही अपन बात करेंगे कि किस तरीके से आपका होना चाहिए, तो नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए, कैसा, नॉन इंटरफेरेंस, इसमें किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं होगा, इंटरफेरेंस होनी चाहिए, ठीक है ना। चौथी ए ई आई ओ, मतलब कि इट मस्ट बी, इट हैज जीरो, बोले तो ऐसा ओ वाला, जीरो साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट कैसा होना चाहिए, नील होना चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए। और दूसरा क्या कंडीशन है, ठीक है, पांचवा है जो किस तरह से दिखेगा, आई ओ आर कर लीजिए, कैसा होना चाहिए, रिवर्सल होना चाहिए, मतलब कि इसको ये रिवर्स होना चाहिए, निकल जाए, मतलब ऐसा नहीं कि कंप्लीटली इम्प्लांट हो गई या कहीं में हमने आईओडी को इम्प्लांट कर दिया या लगा दिया, तो इसको हमने कहा कि एक्सपर्ट नर्सेस या डॉक्टर ही इसको लगा सकते हैं, बाय द वे है ना, थ्रू द सर्विक्स जाकर के यूट्रस में इसको लगा दिया जाता है, तो ऐसा हमारा जो है आईयूडी होना चाहिए। तो इसमें कंडीशन क्या है कि ड्यूरिंग क्वाइटस इन मतलब कि इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे सबसे पहले अपन बात करेंगे, तो यहाँ पे दूसरा बात करेंगे कि क्वाइटस के दौरान क्या होता है, यहाँ पे चलिए
ड्यूरिंग क्वाइटस, ठीक है ना, और सीधे कह सकते हो ड्यूरिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन जब हो रहा है तो वहाँ पे कंडीशन क्या होता है कि LTH, FSH, LH की लेवल कैसा होना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए, कम हो जाएगा। सो इसलिए क्या होता है कि नो मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स, इसीलिए नो एमसी अकर्स, एमसी नहीं होगा तो रिजल्ट क्या होगा, लैक्टेशनल एमिनोरिया हो जाएगा। इट रिजल्ट्स इनटू लैक्टेशनल एमिनोरिया, ठीक है ना, लैक्टेशनल एमिनोरिया, जहाँ पे एमसी ब्लॉक हो जाएगा। एक खास पॉइंट है ये, इसको दिमाग में आप याद रखना। अब क्या करते हैं कि अपन सबसे पहले जो है स्टार्ट करेंगे ए वाले से ही स्टार्ट करेंगे, नेचुरल मेथड, थोड़ा सा डीप इनसाइड जाएंगे, नेचुरल मेथड ऑफ क्या, कंट्रासेप्टिव, नेचुरल मेथड। यहाँ पे सबसे पहला मेथड इसमें बात करेंगे तो बैरियर मेथड, ठीक है ना, सॉरी, यहाँ पे बात करेंगे नेचुरल मेथड का। तो वो कौन सा कंडीशन हमने लिया था, ठीक है ना, नेचुरल के कंडीशन में पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, या ऐसे ही बोले थे रिदम मेथड, ये क्या होता है, इसकी बातें करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरीके से होता है, जो हमने बात करा था, बस इसमें ज़्यादा नहीं, वहाँ पे कर दिए थे थोड़ा सा, यहाँ पे मैं इसको मिटाऊँ, यहाँ जो है आपको इसी जगह पे दिखा देता हूँ, इसी में नेचुरल मेथड के कंडीशन में। यहाँ होती क्या है कि पीरियडिक एब्स्टिनेंस होता है, तो हमने कहा कि देखो बेटा कि एक जो है हमारा 28 दिन का जो है पीरियड होता, एमसी जो है कितने दिन का, 28 दिन का, यहाँ पे 14वें दिन क्या होता है, ओबुलेशन होता है, ठीक है। तो यदि स्पर्म की वायबिलिटी जो है, यदि क्वाइटस यहाँ से करी गई इधर, मतलब कि ये क्या है 10वां 11वां और समथिंग ऐसा 16वां दिन तक, मतलब कि 10 से लेकर के 16, 11 से 16 कह सकते हो, तो यहाँ पे यदि स्पर्म की वायबिलिटी या फर्टिलिटी कैपेसिटी कितना होता है 48 to 72 आवर्स, लेकिन जनरली कितना 48 आवर्स माना जाता है, तो मतलब कितना 2 डेज। यदि 14वें दिन तो ये 2 दिन पहले, यदि 11, 12, 13 तो आ करके यहाँ तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना, ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और ये ओवम यहाँ पे क्या होगा, ओबुलेशन के दौरान क्या देगी, ओवम देगी। तो ओवम का भी वायबिलिटी पीरियड कितना, फर्टाइल पीरियड कितना होता है कि 48 आवर्स से लेकर के 72 आवर्स, लेकिन माना जाता है इतने। तो ये 2 दिन और इधर वायबल होगा, यदि इस बीच में किसी भी तरह का क्वाइटस या इंटरकोर्स होती है तो क्या होगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। तो ये कैसा है, अनसेफ पीरियड फॉर द क्वाइटस। तो इस समय क्या करना है कि आपको बच के, मतलब कि यहाँ पे क्वाइटस को क्या करना है, एब्सेंट करना है, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ और यहाँ से लेकर के यहाँ क्या है, सेफ पीरियड, ये भी क्या है, ये भी सेफ है। तो हमारा रिदम मेथड समझ में आ गया ना, रिदमिकली हमें क्या करना है कि क्वाइटस को रोकना है, ठीक है ना। तो अमूमन कितना, 10 से लेकर के 16, ठीक है ना, 17 भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अपन मान सकते हैं 11 से 17, लेकिन 11 से 16 मस्त है। ये 5-7 दिन आप गैप करिए, दोनों साइड आपका क्या है, सेफ पीरियड है, वहाँ पे क्वाइटस आपका पॉसिबल है, ठीक है। तो दूसरा मेथड है हमारे पास विथड्रॉल मेथड,
ठीक है ना, विथड्रॉल मेथड बोलते हैं, या क्वाइटस इंटरप्टस इसको बोलते हैं। इसमें क्वाइटस को क्या करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, इसको बाधा पहुंचाते हैं। तो ड्यूरिंग इजैकुलेशन, ठीक है ना, पेनिस विल बी विथड्रॉल फ्रॉम वजाइना एंड इजैकुलेटेड आउटसाइड द वजाइना। यहाँ पे क्या होगा कि इम्पॉर्टेंट पार्ट, स्पर्म एंड ओवम डू नॉट मीट, मिलेंगे नहीं तो क्या होगा, मिलेंगे नहीं तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशंस नहीं होगा, तो यही सारा चीज़ करना है। तीसरी बात है हमारा लैक्टेशनल एमेनोरिया, जो हमने बात कर लिया था। यहाँ पे तीसरा बात की बात करते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया। ए मीन्स हमने बताया बार बार नॉट, यहाँ पे होता है मिल्क सिक्रेशन, लैक्टेशन कहने का मतलब है ब्रेस्ट फीडिंग के समय। तो मिल्क सिक्रेशन कौन करती है, लैक्टेट मदर जो इंटेंसिव लैक्टेशन में हो, जो मदर इंटेंसिव लैक्टेशन करता हो, ये कब तक, सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम होता है इसका, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, मैक्सिमम अप टू 6 मंथ ऑफ पार्चुरेशन। और यहाँ पे पार्चुरेशन के कंडीशन में हमने बात किया था आपसे कि क्या क्या होता है पार्चुरेशन के समय। हमने बात किया था कि ड्यूरिंग पार्चुरेशन जो है आपका LTH FSH और LH की जो है क्या करते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेंगे आपको, बिल्कुल उस चीज़ों को दिखाना होगा किस तरीके से आप जो है इस चीज़ों को रोक सकते हैं, कैसे कैसे जो है रुकेगा, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की लेवल कहाँ कहाँ पे कम होगी, किस तरह से कम होगा, ये सारे के सारे बातें हमने करी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो बिल्कुल लैक्टेशनल एमेनोरिया के दौरान क्या होता है कि जब 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 पार्चुरेशन होता है, जब लैक्टेशन होती है, लैक्टेशन के दौरान, ड्यूरिंग लैक्टेशन क्या होता है उसकी मैकेनिज्म, थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो यहाँ पे ये लैक्टेशन के दौरान जो होती है, इस जगह पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है, कितना ज़्यादा अमाउंट में, जिसके वजह से क्या हो जाता है कि आपका एस्ट्रोजन के लेवल घट जाता है, इट लीड्स टू डिक्रीज इन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जैसे ही घटा, एस्ट्रोजन जिस तरह से घटा उस तरह से सप्रेस करता है किसको, MC और ओवुलेशंस को, इट रिजल्ट्स इनटू ठीक है ना, सप्रेस MC और ओवुलेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट लैक्टेशनल एमेनोरिया अप टू 6 मंथ, कितने पीरियड, 6 मंथ। तो हमारा ए मेथड जो है ख़त्म हो गया, नेचुरल मेथड हमारी ख़त्म हुई। दूसरा अपन बात करते हैं किसका बात करेंगे, अच्छा ये यहाँ पे बात करेंगे दूसरा बैरियर मेथड की। तो बैरियर मेथड ऑलमोस्ट जो है अपन बात कर ही लिए, कुछ भी नहीं है उसमें, अपना जो है थोड़ा सा बात कर लो, बी साइड में जो है बी वाली बात करते हैं, बैरियर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन।
चलिए इसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। और उसमें बहुत सारे चीज़ें हमने बात किया था कि मेल के कंडीशन में अलग है और फीमेल के कंडीशन में अलग है, दोनों के लिए क्या यूज किया था कॉन्डोम, ठीक है ना, जो क्या था लेटेक्स की बनी हुई थी, इसकी मेन ब्रांड क्या है निरोध, इसकी बात की है, लेटेक्स से बना हुआ है, दोनों मेल फीमेल दोनों कॉन्डम होता है। यहाँ पे ओनली फीमेल के कंडीशन में हमने बात किया था कि यहाँ पे सर्वाइकल कैप है, वॉल्ट है, ठीक है ना, डायाफ्राग्म है, ये भी किस चीज़ों से, लेटेक्स से बने होते हैं। ये आपका निरोध और कॉन्डम जो होता है डिस्पोजल होता है, डिस्पोजेबल होता है, मतलब एक बार यूज करके इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये क्या होता है, ये जो होती है रीयूजेबल होते हैं। कैसा होता है, रीयूजेबल होते हैं, ये भी लेटेक्स के बने होते हैं। तो यहाँ तक हमने बात कर लिया इसका बैरियर मेथड के कंडीशन में, और कुछ कुछ जो है इसमें मतलब कि केमिकल भी लिए थे, और केमिकल में क्या कहे थे, एस्पर्मी सैडल जेल और फोम हमने कहा था, इसका एक ब्रांड का नाम लिखा था टुडे, जो यूज करते हैं ड्यूरिंग द क्वाइटस, और क्या करता है एस्पर्म को खा जाता है, एस्पर्मी सैडल एस्पर्म को सैड मतलब कि उसको मार देता है। ये बैरियर मेथड इज ओवर। तो हमारे पास कितना है, तीसरा मेथड है क्या, आईयूडी, बहुत ही धांसू, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त पढ़ेंगे इसको, ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।